Students, good morning. Once again, I welcome you in the today's science class. As you know, our yesterday meter is the processing fiber into wool. Processing fiber into wool. इसके अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। इसमें फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा था, दैट इज शियरिंग। शियरिंग मींस, मैं शॉर्ट में वापस रिवाइज करवा रहा हूं, रिमूविंग ऑफ द फ्लीस और हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल लाइक द शीप, कैट, शीप, गोट एटसेट्रा, इट इज नोन एज शियरिंग। और नेक्स्ट वन, दैट इज द स्पोरिंग। स्पोरिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि जो भी फ्लीस या हेयर हमने रिमूव किया, उसको क्लीनिंग करना, उसको पूरे को वॉश करना विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट और इन लार्ज टैंक इट इज वॉश्ड टू रिमूव द डर्टनेस, दिस इज नोन एज द स्पोरिंग। ओके, ये दो पॉइंट हमने कल डिस्क्राइब कर लिए थे। और उसके बाद का थर्ड पॉइंट आ रहा है, दैट इज द सॉर्टिंग। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन द सॉर्टिंग। इन दिस प्रोसेस द क्लीन वूल इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्सचर। मतलब इसमें जो भी उसका टेक्सचर होता है वूल में, उसको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। टेक्सचर मीन्स व्हाट टाइप ऑफ वूल। जो एक पर्टिकुलर टाइप की वूल है वो अलग साइड पर होगी, दूसरी अलग टाइप की होगी वो अलग साइड पर होगी, ऐसा क्लासिफाई करना सॉर्टिंग कहलाता है। और यहां पर लिखा है सेपरेटिंग बड्स, फोर्थ पॉइंट, सेपरेटिंग बड्स। राइट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन। Buds are small fluffy fibers which are present in the fleece of sheep. These can also be seen on the some of the sweaters we wear. कभी कभी आपने देखा हो तो जो sheep और goat के body से जो भी हमको wool मिलती है उसमें कुछ छोटी छोटी उसमें उसके अंदर कुछ स्मॉल फ्लफी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अपन स्वेटर वगैरह पहनते हैं कभी कभी वॉशिंग होने के बाद उसमें भी देखने को मिलता है, तो उनको रिमूव करना कहलाता है, दैट इज द सेपरेटिंग बड्स। द बड्स आर सेपरेटेड एंड प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग इज रिपीटेड। मतलब जो भी आपको वूल मिली है उसमें अगर कोई भी ऐसे फ्लफी फाइबर्स अवेलेबल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और सॉर्टिंग प्रोसेस को वापस रिपीट किया जाता है, ये कहलाता है सेपरेटिंग बड्स। द हेयर्स आर देन ट्विस्टेड इनटू फाइबर। और उसके बाद ये इतना प्रोसेस होने के बाद जो वूल होती है उसको वूलन फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज द डाइंग। प्लीज लुक, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डाइंग। डाइंग मीन्स गिविंग कलर टू द वूल। वूल को कलर देने के लिए आर्टिफिशियली जो कलर मिक्स किए जाते हैं वो प्रोसेस डाइंग कहलाता है। एक्चुअली व्हाट इज द मीन्स, the fleece of sheep and goat is naturally black, brown or white. मतलब वूल के जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट होते हैं। फिर भी उसको अकॉर्डिंग टू द चॉइस अलग अलग तरह के कलर्स डाइंग प्रोसेस से डाइस किया जाता है और उसी तरह के वूल के कलर्स उसमें डाल दिए जाते हैं। And the next one, that is about the rolling. Sixth point, that is the rolling. Rolling means kya hota hai, dekhiye aap. The fibers are straightened, formed and rolled into yarn.
ध्यान से सुनना, जो भी अब तक अपने पास वूल मिली उसमें से हमने पूरा प्यूरिफाई कर दिया, उसको सारे बुल्स वगैरह निकाल दिए, क्लासिफाई कर दिया टेक्सचर के हिसाब से, कलर एड कर दिए उसमें अगर जरूरत है तो, उसके बाद उसको स्ट्रेंथन बिल्कुल कॉम्बिंग की जाती है, उसको सीधा कर दिया जाता है और उसके अलग अलग यार्न बनाए जाते हैं। प्लीज रिमेम्बर, टू टाइप ऑफ यार्न आर प्रोड्यूस इन दिस मेथड। इस मेथड में दो तरह के यार्न प्रोड्यूस होते हैं, जो लॉन्गर होते हैं उनसे तो निटिंग करके स्वेटर और शॉल बनाई जाती है, जबकि जो शॉर्टर होते हैं उनकी वीविंग करके ब्लैंकेट, कारपेट एटसेट्रा ये सब बनाया जाता है। तो ये होगा आपके पास में अबाउट द व्हाट प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। प्लीज रिमेम्बर दीज आर 6 पॉइंट, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग वर्ड्स, डाइंग और रोलिंग, इनको 3-3 के ग्रुप में आप याद रखें। इट इज पॉसिबल दैट इट इज द आंसर ऑफ एनी लॉन्ग आंसर में भी, तो इसको लर्न करने का प्रोसीजर होगा 1, 2, 3 को आप एक साथ याद रखें और लास्ट 1, 2, 3 को एक साथ याद रखें। नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट द साइंस बिट्स। सो द पॉपुलेशन ऑफ शीप इज लार्जेस्ट इन चाइना, प्लीज रिमेम्बर। सबसे ज्यादा जो शीप की पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड के अंदर दैट इज चाइना, और इंडिया कम इन द थर्ड पोजीशन जस्ट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। प्लीज रिमेम्बर रैंकिंग बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वूल प्रोडक्शन, फर्स्ट नंबर चाइना, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ वूल। द प्रोसेस ऑफ शियरिंग विच रिमूव द अपर लेयर ऑफ द skin along with the fleece does not hurt the sheep. This is because the upper layer of skin is dead. ध्यान से सुनना, जब भी हम अपर लेयर ऑफ स्किन को रिमूव करते हैं तो एनिमल को किसी भी तरह का पेन फीलिंग नहीं होता है, जस्ट लाइक अवर हेयर कट और नेल कट। जैसे हम अपने नेल्स कटिंग करते हैं, हेयर कटिंग करते हैं तो उसमें कोई पेन फीलिंग नहीं होता है, रीजन ओनली वन बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम द डेड सेल्स। जो भी आगे बड़ा हुआ पोर्शन होता है उसमें डेड सेल्स होती है, और वही कंडीशन शीप के अंदर उसके फ्लीस या हेयर्स की होती है। जब भी शीयरिंग प्रोसेस किया जाता है तो उसमें शीप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, पेन फीलिंग नहीं होती है। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वांट टू टेल यू, After the shearing, sheep or goat must be dipped in the solution of insecticide or pesticide or fungicide to prevent from any infection. मतलब shearing process होने के बाद जो भी आपका animals है उनको chemical solution के अंदर dipping की जाती है ताकि उनकी body में किसी भी तरह का कोई infection ना हो, okay? Now, next one. One more thing. This is about the wool, or in which we are saying something to you. Okay. Now, this is our end of this topic, or we are giving you some answer questions. That you will give answer according to your will, and if not possible, don't worry. In the last, we will give you answer of this one. That is the check your knowledge first. Check your knowledge first. Every student complete this work in the copy. Don't worry, today is only I am giving you question, not answers. Answer may be possible tomorrow. Now, please, you will try to find out answer in rough copy today. And then tomorrow match that your answer is correct or not. Question number first is, what is selective breeding? What is
सेलेक्टिव ब्रीडिंग। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टीज ऑफ वूल help in grading the fiber, into different qualities, This is second. Third number, why is scoring of sheared wool necessary? And fourth number, what are goods? Fifth number, last, that is, what is rolling of woolen yarn? What is rolling of woolen yarn. These answer available in your book also. You look in it and try to find out the answer, but complete it when I give you perfect answer. This is only your IQ test. Okay, thank you very much. Tomorrow we will meet and discuss about this work and start the next topic also. Thank you very much.